Siraj is here. Hi, Siraj. हेलो International मालिक जी, Islamic Publishing House. हेलो मालिक जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, आवाज आ रही है. मैं एक How is सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूँ, अपनी अपनी मैं एक सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूँ अपनी आवाज को छुपाने के लिए, अपनी ओरिजिनल जी. आवाज को। सही है। तो हाँ ऐसा है कि यूनिवर्सल ब्यूटी आपसे बार बार कह रहे थे ना कि मलके यमीन मलके मीन, आपको लोनियों का मतलब नहीं पता। तो आपकी ना, आपने जो पहले वीडियो पे दिखाया था ना, उसमें एक मौलाना इसहाक थे, वो लोनियों का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियरली एक्सप्लेन कर रहे थे। आपने जो पहले सिराज, पे दिखाया आपकी ना, आवाज ना थोड़ी सी खरखर हो रही है, लाइक क्लियर नहीं है. मालिक आपने पहले जो है ना, वो एक अपने YouTube का एक पेज दिखाया था जिसमें बहुत सारी वीडियोस थी, तारिक जमील की थी, पता नहीं किस किस की वीडियो थी, और नीचे एक मौलाना इसहाक की वीडियो भी थी। तो मौलाना इसहाक की वीडियो ना बिल्कुल उसका एग्जैक्ट मतलब बता रहे हैं, मलके यमीन का। तो कुरान में लौंडी का लफ्ज तो नहीं आया, मलके यमीन का लफ्ज आया है। मलके यमीन और स्लेव गर्ल को ही कहते हैं। यूनिवर्सल वीडियो पता नहीं ऐसी बातों में घुमाने लगे हुए थे, उस बात को छुपाने की कोशिश कर रहे थे कि लौंडी का कॉन्सेप्ट नहीं है। लौंडी का कॉन्सेप्ट इस्लाम में डॉक्टर सार ने भी बिल्कुल क्लियरली बयान किया है। कुरान के जितने भी तफासिर है ना, उर्दू में और इंग्लिश में, इंग्लिश मेरे पास फिजिकल कॉपीज भी पड़ी हुई है, मेरे पास ये बुक भी पड़ी हुई है। देखें, मैं बुक खरीद के लाया हूँ, इसमें मैं पढ़ता हूँ इसमें। और ये प्रॉफिट मोहम्मद की सारी स्लेव गर्ल्स के बारे में लिखा हुआ किताब सऊदी अरब में छपी है, सऊदी अरब में छपी है, मैंने नहीं छापी है। ये देखें, अगर आप वाह. अमेजोन से खरीदे ना, तो आप अमेजोन से खरीद सकती हैं इस बुक को। ठीक है, ये सऊदी अरब में छपी है, और इसमें वो सारी रोनियों का जिक्र भी है जो प्रॉफिट मोहम्मद की थी, उनके साथ उन कैसे कैसे जंग में वो आई थी। ये क्रिटिकल बुक नहीं है, ये तो मुसलमान ने अपने अपने पर्सपेक्टिव से लिखी है, ये क्रिटिकल बुक नहीं है वैसे। समझ गए? यानी कि अपनी क्योंकि लाइफ में सिवाय औरतों के साथ रहने की कुछ और किया ही नहीं. क्योंकि इफ यू थिंक अबाउट इट, कितनी नहीं, औरतें बिल्कुल हमको पता है और उसके अलावा कितनी होंगी. तो अ पर्सन एंड ही स्टार्टेड आफ्टर खदीजाज डेथ, जी जी यू नो, बिल्कुल बिटवीन दैट मेनी इयर्स, कितने सारे लड़कियों के साथ इतने सारे अफेयर्स रखना. यानी मैसेंजर वाज बिल्कुल वेरी बिजी, ही वाज अ बिल्कुल बिजी मैन. जी। पैगंबर मोहम्मद ने तो लोगों को कहा था कि मुझे जवान लड़कियां और खूबसूरत लड़कियां अच्छी लगती हैं। एक और उन्होंने एक साफी साहबी को कहा था कि जी आपने बूढ़ी और से शादी क्यों की, आपको जवान कम कम उम्र की लड़की शादी करनी चाहिए, उसको ज्यादा मजा आता है। ये भी उन्होंने कहा था, आपको पता है? फौरन मोहम्मद ने कहा था, ये भी एक हदीस में है। वाह. यानी हर चीज, और मैं कोई तो कह रही हूँ ना, हर चीज औरत के बारे में वो लिखी है वहां पे. एंड इट्स वो जो वो यानी यूनिवर्स तो भूल ही गए. अल्लाह मियाँ को सिर्फ मोहम्मद जी की सेक्स लाइफ में इंटरेस्ट था, और किसी चीज मालिक में इंटरेस्ट था ही नहीं. बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मालिक। आपने जो है ना, वो अचानक आपने वो अभी मैंने मैंने देखा तो आपने स्ट्रीम में लॉन्ड्री का लफ्ज किया हुआ था। अगर मैं थोड़ा सा पहले का पता होता ना, तो मैं आपको इतनी रिसोर्सेज दिखाता, ईमेल करके दिखाता लॉन्ड्रीज के बारे में। तो ये इनको किसी को पास जवाब देने की बिल्कुल उनको मौका ही नहीं मिलने था, किसी को भी। आपके सामने भी शर्म आ जाते। और भी बहुत कुछ लिखा हुआ है लॉन्ड्रियों के बारे कोई में, बात सिर्फ जो आपने नहीं, इंटरनेट पर। तो आप मुझे मैसेज करना ना, तो फिर मैं आपको लिंक दे दूंगी ना, तो वी कैन एक्चुअली डू अ लिटिल सेगमेंट ऑन लॉन्ड्री एंड उन्होंने लॉन्ड्री. YouTube पे ना हाँ YouTube पे ना और भी वीडियोस मौजूद थी, जो उन्होंने खुद उन्होंने शर्म के मारे हटा ली हुई, यकीन मानिए। मुंबशिर रहमान की वीडियो थी जो पाकिस्तान टीवी पर डिस्कशन प्रोग्राम हो रहा था, उन्होंने वीडियो YouTube से हटा हाँ ली हुई है। एक हटा और दी भी वीडियो उन्होंने. थी जी, और मैंने जो है ना वीडियो वो अपने हार्ड ड्राइव में सेव की हुई है, यकीन मानिए कि वो उसको उन्होंने इस बात ने ना इस्लाम को बहुत नुकसान पहुंचाया है। जब ये एक दफा पाकिस्तान में टीवी का प्रोग्राम था, उसमें स्पेशल डिस्कशन हुआ ना, तो उस पर बहुत जो है ना वो लोगों ने क्रिटिसाइज किया इस्लाम को, तो उन्होंने वीडियो यूट्यूब से हटा ली, टीवी चैनल वालों ने। मैंने वो अच्छा, सेव वहां की हुई है, मैं है आपको या ना अब नहीं है वो नहीं, वीडियो? अब वो नहीं है, अब वो नहीं है। तो मेरे पास वो हार्ड ड्राइव में मौजूद है, मैं आपको ना किसी तरह सेंड कर दूंगा, ओनली जो है ना ओनली फैंस के पेज पे आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, हाँ, आप मुझे और भेज किसी देना. और क्योंकि दिन ना कि आप यू नो इट वुड बी देयर, मगर आई डिडंट नो कि उन्होंने वो हटा दिया. ऐसा है कि किसी और दिन जो है ना आप दोबारा से प्रोग्राम कीजिएगा, मैं आपको ना बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा इसके बारे में, बहुत सारी। मैं बिल्कुल तैयार बैठूंगा, कोई भी आपके साथ डिबेट करना चाहेगा इस मसले के ऊपर, मैं उसको एक चीज समझाऊंगा कौन सी चीज क्या है। ठीक है, अभी मैं काम ओके पे जाने वाला हूँ, तो बहुत शुक्रिया आपका ना, थैंक यू वेरी मच मुझे कॉल करने के लिए। ओके, बाय चलो ठीक है. ओके बाय. बाय। मैं अपना फोन यहाँ पे कनेक्ट कर रही थी. सिराज इज ऑलवेज अमेजिंग टू हैव हिम. ही इज अ बिग सपोर्टर ऑन माय ओनली फैंस. ही इज बीन सपोर्टिंग मी सिंस द डे वन. तो मेरे जो चंद अच्छे सपोर्टर्स हैं, दे आर ऑलवेज देयर फॉर मी. आई रियली अप्रिशिएट इट.